स्वागत है मेरे चैनल थिंक टेक्निकल में। मेरा नाम है प्रवीण। आज आपको बताने वाला हूँ क्रोम ब्राउज़र में डार्क मोड अप्लाई कैसे करें, वो भी सिंपल स्टेप फॉलो करके। अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक मोबाइल यूज़ करते हैं तो उससे आपकी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, आंखें खराब हो सकती हैं, आपकी आईसाइट वीक हो सकती है। इसके लिए आपको डार्क मोड लगाना पड़ेगा। तो अगर आप यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप में डार्क मोड लगाना चाहते हैं उसके लिए वीडियो मैं बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। क्रोम ब्राउज़र में डार्क मोड इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपल स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे नीचे आपको सेटिंग का ऑप्शन आएगा, सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद क्रोम ब्राउज़र का इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आना है और थीम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही थीम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन आएंगे, लाइट और डार्क का। आपको डार्क के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उससे आपका क्रोम ब्राउज़र डार्क हो जाएगा, डार्क मोड अप्लाई हो जाएगा। अगर आप यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप में अगर डार्क मोड करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसमें भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ मैं। डार्क मोड अप्लाई करने से आप अपनी आंखें सेव कर सकते हैं। आप ज़्यादा देर तक मोबाइल यूज़ करते हैं, आजकल सभी सोशल मीडिया नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, तो डार्क मोड आपको लगा के रखना चाहिए। तो अगर आपको डार्क मोड नहीं लगाना है तो क्रोम ब्राउज़र में, तो वापस पहले की तरह आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग के ऑप्शन पर जाना है और थीम के ऑप्शन पर सेलेक्ट करके लाइट के ऑप्शन को चूज़ कर लेना, तो डार्क मोड हट जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल। टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ मैं, यूट्यूब से ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ।